स्वागत है। तो पहला बात करते हैं, ये ऑलरेडी गृहस्थिति पहला वाला वीडियो 10 मिनट वाला में देख लीजिए, मैं उसका उपक्रम दे दिया और उसके बाद बाकी राशियों को छोटे छोटे लेवल पे मैं इसे समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो चलिए मेष राशि वालों का। मेष राशि, अब ये जो 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का स्थिति, मेष राशि वालों का सबसे पहला जो बैड टाइम का डेट, अगर अष्टम चंद्रमा का बात करते हैं तो 11-12 ये रहेगा, तो इस दौरान थोड़ा सावधान रहें। और द्वादश चंद्रमा आपका जुलाई महीना का 20 और 19 को मिलने वाला है, बिना फालतू का खर्चा थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ठीक है। बाकी चंद्रमा का गोचर शुभ गोचर अपने स्थिति अनुसार। और अब बात करते हैं ओवरऑल, अगर बेड गुड पीरियड अगर कहें तो मेरा गिनती के अनुसार 7 तारीख हस्ता नक्षत्र में आ रहा है। और आगे मेष राशि वालों का लग्न के ऊपर राहु हैं और ये 1.5 साल से करीब करीब 3.5-4 महीना कट गया, तो बाकी तो रहेंगे ही। और धीरे धीरे राहुदेव भी पावर में आ रहे हैं और जब पावर में आएंगे तो गुल क्या खिलाएंगे, मेष राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने का आवश्यकता जरूर है। ज्यो ज्यो राहुदेव पावर में आएंगे वैसे वैसे नौटंकी चलेगा, जिंदगी हिलेगा, ये स्वाभाविक बात है। इसलिए जब लग्न ही हिल जाए तो फिर बाकी क्या करें, राशि ही हिल जाए तो बाकी क्या करें, लाइफ डिसबैलेंस होगा तो बाकी क्या करें। आप चाहते हो एक और हो नहीं पाता होगा, हाथ से कई सारे द्रव्य भी आपके गिरते होंगे और इस समय थोड़ा सा धोखा फरेब होने का चांसेस रहता है। मानसिक विभ्रांति, द्वंद, भ्रम, भय, भूल, ये नेचुरल फेनोमेना रहेगा आपका कितना भी राशिफल कह दिया जाए। और ऊपर से अगर मेष राशि हो और राहु महादशा और मंगल महादशा हो तो मेष राशि वाले ज़्यादा इफेक्टेड इन्फेक्टेड हो सकते हैं, राहु में मंगल, मंगल में राहु, या पूरा मंगल का महादशा या पूरा राहु का महादशा, तो ये लोग थोड़ा सावधान रहें, बाकी लोग ठीक है चलेगा। कितना भी राशिफल हम लोग बोल दें उसमें मात्र आप समझ लीजिए कि 5% 100 में से 5% आप इफेक्टेड होंगे गोचर से, बाकी डिपेंड करता है आपके दशा अंतरदशा। तो लग्न में अगर मंगल स्वग्रही हो जाते हैं तो नेचुरली बलि तो होते ही हैं, और इस क्षेत्र में हम लोग बोलेंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका फिजिकल कंडीशन ठीक रहेगा, आपका पावर भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्य से लेके बाकी जो भी व्यक्तित्व ठीक रहेगा। लेकिन राहु और मंगल अंगारक योग ये विचारणीय विषय रहे तो इसके लिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान, हेडेक होना, गैस, खट्टी डकार, अम्लपित, इस प्रकार का समस्या दे सकता है। और राहु भी यहाँ थोड़ा सा बलि हो रहे हैं और दोनों जब बलि हो रहे हैं और दोनों एक दैत्यों का सिपे सलार, एक देवताओं का सिपे सलार, तो दो जब सिपे सलार एक जगह में होते हैं तो नेचुरली टसल होगा, तो लाइट के साथ टसल होना एक आम विषय रहेगा, तो उसके लिए आपको मानसिक प्रिपरेशन रहना है। और लग्न के ऊपर सीधा सप्तम दृष्टि, सप्तम में केतु तो तुला राशि के ऊपर, स्पाउस के साथ हस्बैंड वाइफ के संबंध के साथ थोड़ा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है, जितना आशा कर सकता हूँ। हालांकि आपका माउथ कंट्रोल, वाणी कंट्रोल रहेगा क्योंकि शुक्र सेकंड में है, लेकिन जब शुक्र यहाँ से भागेंगे आगे तब समस्या, 13 तारीख के बाद आप देखोगे खुद का टेम्परामेंट में बदलाव, तो वाणी के क्षेत्र में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। धन का क्षेत्र उसके बाद भी अफेक्टेड होगा, स्वाभाविक ये दिख रहा है, नेचुरल बात है। उसके बाद अगर बात करते हैं पराक्रम भाई बहन, जो सूर्य चल रहे थे और ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 16 के बाद फिर आपका ये समस्या चालू होगा, थोड़ा सा पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी आना स्वाभाविक है। और फिर भूमि भवन वाहन और सुख संपदा का बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए ये भी बढ़िया और टॉप रहने वाला है, और ये 16 के बाद सूर्य और बुध यहाँ पर आ जाएंगे, स्वाभाविक बात है, और उस समय थोड़ा सा दिक्कत, स्वाभाविक बात है, जल के ऊपर सूर्य आना। और हालांकि सूर्यदेव ऑलरेडी आद्रा क्रॉस कर चुके हैं, तो आद्रा में क्रॉस नहीं अभी हैं, तो क्रॉस का आने का मतलब बारिश चालू होता है, स्वाभाविक बात है, तो उसमें सूर्यदेव पानी में आएंगे और हालांकि मित्र गृह होंगे लेकिन अपने से भी द्वादश में जाएंगे। अब बात करते हैं आपका शिक्षा का, बात करेंगे तो मेष राशि का पंचम सूर्य, सूर्य अपने आज के तृतीय घर में आके बुध के साथ, तो मैं इसमें नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा थर्ड हाउस में कोई भी प्लैनेट, लेकिन सूर्य यहाँ तो अच्छा फल तृतीय के लिए भी अच्छा कर देंगे। शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा समस्या, स्वाभाविक बात करेंगे। बात फिर बात करते हैं आपका पंचम स्थान, शिक्षा के बाद प्रेम संपर्क इत्यादि, तो वो भी थोड़ा टसल में रहेगा, बहुत अच्छा का उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए। और स्पाउस का बात ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। भाग्य का साथ
आपका नवम स्थान भाग्य धनु गुरु स्वग्रही हैं इस क्षेत्र में, तो भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी ये क्योंकि द्वादश में हैं और द्वादश भाग्याधीश, मैं कहूँगा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भाग्य का सपोर्ट का आशा नहीं करना चाहिए, अपना बलबूते पे मेहनत जरूर करना चाहिए। और मेष राशि वालों का कर्म करियर और वर्क फील्ड वर्क ऑप्शन जो एकादश में शनि जाके दे रहे थे और आपको मिल रहा था, नो डाउट आप, मैं बहुत सारे मेष राशि वालों का कुंडली भी देख रहा था, गुड अपॉर्चुनिटीज एंड सब कुछ आ रहा था, ये दशम में आके थोड़ा सा यहाँ बकरी होने के कारण स्वाभाविक बात है बैकफुट पे आएंगे, कई सारे काम रुकेगा भी, और सबका नहीं डिपेंड करता है दशा अंतरदशा और आपकी कुंडली में ग्रहों का स्थिति। अगर शनि आपकी कुंडली में भी बकरी हैं और बकरी स्थिति है तो उस समय नेचुरली थोड़ा सा आपको एक्सेलरेशन देंगे, लेकिन शनि बकरी होते ही वर्ल्ड वाइड में आपका काम स्लो डाउन होता है, ये बेसिक बात है, तो स्वाभाविक बात है मेष राशि वालों का। अब धन का बात करेंगे और लाभ का बात करेंगे, तो दोनों ये थर्ड हाउस धन का बात सेकंड हाउस शुक्र हैं, 12 तारीख तक चिंता ही नहीं है आपका, उसमें धन का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, आना चालू होगा, फ्लोट भी रहेगा, स्वगृही अब करते ही हैं, और लाभ का भी बात कोई चिंता का बात एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन अब किसी शेयर सट्टा बिजनेस और इस प्रकार के तरफ मन जाता होगा, वो आजकल निकला है ना शेयर, और उससे भी ज़्यादा बिटकॉइन और इस प्रकार का मन अगर जाए तो थोड़ा सावधान रहेंगे, क्योंकि राहु देव लग्न के ऊपर राशि के ऊपर चल रहे हैं तो स्वाभाविक बात है ये एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं करेगा और अच्छा से आप फंसोगे, तो इसलिए इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। और ये क्योंकि राहुदेव यहाँ चल रहे हैं तो आपको इसके हेतु इतना ही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी का और शिव जी का सेवा और स्मरण करें, और प्रार्थना ही आदमी को बचाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वृष राशि